हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और कल के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद आई हैव अ बिटर स्वीट टेस्ट इन माय माउथ। स्वीट इसलिए कि हमने इतना अच्छा किया, हमारे फैंस ने शो अप किया, हमारे प्लेयर्स ने शो अप किया, वी डिड सो गुड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। बट बिटर इसीलिए कि हमने इतना अच्छा किया था, हमने वो खुद को एक प्लेटफॉर्म दिया था जिसके बलबूते पर हम और अच्छा कर सकते थे। और डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सेम स्टेटोस्फेयर में भी नहीं रख रहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में कम्पीट करते हैं हमसे। दे आर टॉप 16 टीम इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फीफा वर्ल्ड कप, और हम टॉप 100 में भी नहीं है फीफा के अकॉर्डिंग। बट आप ये नहीं बोल सकते कि हम लकी थे निल निल रखने के लिए हाफ टाइम तक, बिकॉज वी शोड दोज को होनेस। संदेश जिंगन की क्या परफॉर्मेंस थी कल, ही वॉज अ वॉरियर यस्टरडे। बट द वे वी कंसीडेड द गोल, जिस टाइम पे खाया हमने, जिस मैनर में खाया, इट वॉज वे टू क्रशिंग फॉर आर सोल, आर स्पिरिट्स। और उसके बाद तो एक्सपोज हो गया हमारी टीम का, हमारे टैक्टिक्स का, हमारे कोच का। बोलना नहीं चाहिए, मैं नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता, बट वी वर सो बैड गोइंग फॉरवर्ड। टैक्टिक्स भी मेरे को समझ ही नहीं आया। इंडिया प्लेड देयर बेस्ट फुटबॉल जब उन्होंने एक मिड ब्लॉक रखा था स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के अगेंस्ट हम पूरे 90 मिनट्स तक तो उसको मेंटेन कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हम बाद में लो ब्लॉक में शिफ्ट हो गए एंड वी एब्जॉर्ब्ड प्रेशर, और फर्स्ट हाफ वो खत्म हो गया। सेकंड हाफ में मेरे को लगा था कि इंडिया विल अप्रोच द गेम इन अ सेम मैनर, बट मेरे को एक बार भी नहीं लगा कि वी आर इवन ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड। और जो लोग बोलते हैं ना पार्क द बस, इतना आसान होता नहीं। आप कभी भी बस पार्क नहीं कर सकते जब आपके पास एक प्लान नहीं होगा फॉर गोइंग फॉरवर्ड। हम ऑस्ट्रेलिया को चढ़ने दे रहे थे अपने ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतने अच्छे नहीं है बॉल पे कि हम एक अच्छा बिल्डअप बना के अटैक पे निकल जाएं, और दूसरी बात हम कोई अच्छे अटैकिंग ट्रांजिशंस बना भी नहीं रहे थे। चांगते वॉज द सोल अटैकिंग आउटलेट फॉर अस, बाकी सुनील छेत्री वॉज एबसेंट फ्रॉम द गेम। और अगर आप इंडिया हो, आप चाहते थे कि आपका बेस्ट चांस आपके बेस्ट प्लेयर के पास ही जाए, और वो गया, बट वी कुडंट स्कोर। और कल के मैच के बाद तो एक चीज क्लियर होगी कि हम बस शील्ड है, और आपको वॉर जीतने के लिए शील्ड जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी एक स्पोर्ट भी है। शील्ड से आप डिफेंड कर सकते हो खुद को, बट आप जीत नहीं सकते। और इंडिया को अपने अटैक में वो शार्पनेस लानी पड़ेगी। हमने मोरक्को को पिछले वर्ल्ड कप में देखा, उन्होंने भी लो ब्लॉक मेंटेन करके अच्छी अच्छी टीमों के अगेंस्ट उखाड़ा है रिजल्ट, और इंडिया भी वो कर सकती है। बट अटैक में वी हैव टू हैव अवर ऑप्शंस, और हमारे एक अटैकिंग पैटर्न होना चाहिए जिसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमारे को। और हाँ, हम इस ग्रुप से नहीं निकलने वाले अगर हम सिर्फ ड्रॉ भी निकाल लें। अब दो हमारे को एक मैच तो जीतना पड़ेगा, और मोस्ट लाइकली हम सीरिया के अगेंस्ट जाएंगे ऑल आउट टू गेट अ रिजल्ट। बट ओवरऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, और जो इम्प्रूवमेंट इट्स सो सिग्निफिकेंट। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को और फेस करना हमारे को इम्पॉर्टेंट है, हमारे को ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खुद को टेस्ट करते रहना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं एल क्लासिको के प्रीव्यू के बारे में, और हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ, और आई होप वो ऑल द वे करे, बिकॉज पिछले साल भी सुपर कोपा का फाइनल वॉज एन एल क्लासिको। और अगर आप न्यू हो तो आपने इस राइवलरी के बारे में सुना होगा कि इतनी हीटेड क्यों है, इसको सबसे बड़ी राइवलरी क्यों बोलते हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं उनकी राइवलरी की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए, तो आप उसको चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे, ये रही वीडियो, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आज के मैच के बारे में बात करें, तो इट इज मोर वाइटल फॉर बार्सिलोना देन इट इज फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड अपने आप को देखेंगे कि वो लीग में कहां खड़े हैं, एंड दे विल बी लाइक कि दे आर ओके अगर वो सुपर कप नहीं जीतते हैं तो। बट बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड फाइंड देमसेल्फ थर्ड इन द लीग, और हमारे लिए एक स्टेटमेंट विक्ट्री होगी, और बार्सिलोना इसी ताक में होगी कि वो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल ले, और ये साल जैसे हमने स्टार्ट किया एक अच्छे नोट पे, हम अनडिफीटेड अभी तक, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू भी करें। और एज फैंस मार्को बिल्कुल नहीं पता कि हम क्या एक्सपेक्ट करें बार्सिलोना से। वी कैन सी अ डेड बार्सिलोना, एक लाइफलेस बार्सिलोना जैसे हमने कोपा डेल रे में देखी थी, और वी कैन सी एन एक्सुबरेंट बार्सिलोना जैसे हमने ओसासुना के अगेंस्ट देखी थी सेकंड हाफ में। और ओसासुना वाले मैच की अगर बात करें तो हम सेम स्टैंडर्ड से जज नहीं कर सकते आने वाले मैच को, बिकॉज बिल्कुल अलग लेवल पे ऑपरेट करती है रियल मैड्रिड एज कम्पेयर टू ओसासुना। इट विल बी अ मैसिव टेस्ट, इट विल गिव अस अ रियलिटी चेक काइंड ऑफ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं राइट नाउ। मेजर मिस जो मेरे को लग रहा है इस मैच में होगा, जो टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इज गावी की एब्सेंस। वो इंटेंसिटी जो ब्रिंग करता है इज अ मस्ट अगेंस्ट अ टीम जो इतनी इंटेंस है रियल मैड्रिड। उनके पास कुत्ते लौंडे भरे पड़े, फेडे वेलवर्डे, चुआमेनी, कामाविंगा, ऐसे दगड़ दल्ले भरे पड़े उनके पास, और उनको मैच करने के लिए वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जब अब है नहीं गावी ऑब्वियसली, तो हमारे को इतना रिफाइन होना पड़ेगा हमारे पोजेशन में कि रियल मैड्रिड हमारे को टच ही ना कर पाए जब हमारे पास पोजेशन हो। लाइनअप की बात करें तो इनियाकी पेना विल स्टार्ट एज अ गोलकीपर, और डिफेंस में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। रिपोर्ट्स आ रही है कंसेलो इज पुशिंग हिमसेल्फ टू बी फिट फॉर द मैच, बट आई विल नॉट डू दैट। मैं बैकलाइन सेम रखूंगा उसे सुना वाली, बार्ले ऑन द लेफ्ट, अराहू एंड क्रिश्चियनसन एज सेंटर बैक पार्टनरशिप, और कुंडे ऑन द राइट बैक। अगर कंसेलो आता भी है तो आई जस्ट स्विच हिम विद बाल्डे, मैं कुंडे को नहीं हटाने वाला राइट बैक पोजीशन से। वी नीड सम सॉलिडिटी, वी नीड सम कंसिस्टेंसी इन आर बैक लाइन, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप हर मैच में अगर चेंज करते रहोगे तो यू कांट बिल्ड दैट केमिस्ट्री, और हमारे को चाहिए वो कल के मैच में। मिडफील्ड में आई डोंट थिंक मैं रिस्क
करूंगा पेड्री को। आई थिंक मैं सर्जियो रोबर्टो या फर्मिन लोपेज में से ही पिक करूंगा। और अब मेन क्वेश्चन आ जाता है अटैक का, तो लेवनडॉस्की हैव टू स्टार्ट, ही हैज बीन ऑन गुड फॉर्म, मैं बोलूंगा उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो नहीं, बट पोस्ट वर्ल्ड कप लेवनडॉस्की के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही इज इन अ गुड फॉर्म। दो मैचेस में 2 गोल स्कोर कर चुका है ऑलरेडी, और पिछले मैच में भी गोल के बाद उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं ओवरऑल। बट अगर आप बार्सिलोना हो तो अगर वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 1 गोल स्कोर कर देगा और बिल्कुल ट्रैश रहेगा बाकी के मैच में, तो आप बिल्कुल भी सैड फील नहीं करोगे, यू विल बी हैप्पी। राइट विंग पे आई स्टार्ट यमाल, रफीनिया ऑलरेडी इंजर्ड है, मैं नहीं डालूंगा फेरन टोरेस को राइट विंग पे, यमाल हैज प्रूव्ड हिज वर्थ, ही इज वे मोर इफेक्टिव। लेफ्ट साइड पे फेरन टोरेस को स्टार्ट करोगे या जोआ फिलिक्स को स्टार्ट करोगे, आप कोई भी बोलोगे आई एल नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट इट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनली आई एल स्टार्ट जोआ फिलिक्स एवर सिंस वो रिपोर्ट आई है कि जावी डजंट ट्रस्ट हिम, हमारे को दिख रहा है कि ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज वर्थ टू हिम, तो मेरे हिसाब से वो कल भी मोटिवेटेड होगा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए, एंड वी हैव सीन कि वो मैड्रिड की टीम्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करना पसंद कर रहा है। मेरी प्रिडिक्शन अगर मेरे को देनी हो तो मैं रियलिस्टिकली दूंगा एक 3-1 विन फॉर रियल मैड्रिड। आई नो आउट ऑफ द ब्लू आगे मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा था, बट इट इज व्हाट इट इज। और आपकी क्या प्रिडिक्शन होगी डू टेल मी इन द कमेंट्स। और मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने नहीं वाला था क्योंकि मेरे को लगा था कि एक रेगुलर विन होगी फॉर मैन सिटी अगेंस्ट न्यूकासल, बिकॉज न्यूकासल एक अच्छे फॉर्म में नहीं है, दे आर गेटिंग देयर एस वुप्ड एवरी सिंगल वीक। लेकिन कल का मैच वॉज अ स्पाइसी एंड अ टिपिकल प्रीमियर लीग मैच, और डिब्रॉयना जैसा स्मूथ रिटर्न मेरे को नहीं याद कि मैंने कब देखा था लास्ट प्लेयर का। जब भी आप इतनी बड़ी इंजरी से वापस आते हो तो कुछ रस्ट होता है, आपको टाइम चाहिए होता है टू गेट गोइंग, बट डिब्रॉयना डजंट नीड दैट। और वो आए उसको 60-70 मिनट खेल ले उसने टोटल, एंड ही ऑलरेडी गेव आउट 3 GAs, ही कैन मेक द आर्ग्यूमेंट कि वो ग्रेटेस्ट सिटी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। और कई लोग बोलेंगे ग्वेरोस डेविड सिल्वा, मेरे हिसाब से वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी नोस्टाल्जिया चार्ज्ड। अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरे हिसाब से डिब्रॉयना इज द बेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले फॉर सिटी, एंड एक और टाइटल है जिसके लिए वो कंटेंड कर रहा है, इज द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम। आप जितने भी ग्रेट प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स को उठा के देख लो, आप उनको शॉर्टलिस्ट करो, आपके जेरार्ड, आपके लैम्पर्ड, आपका स्कोल्स, याया टोरे, डेविड सिल्वा, फैब्रिगास, उनमें से डिब्रॉयना स्टैंड्स आउट। लेट्स बी रियल, ही हैज बीन द फेस ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग साइड ऑफ ऑल टाइम, एंड मैं उसको टेलर स्विफ्ट बोलता हूँ फुटबॉल का, बिकॉज आई थिंक ही इज वे टू प्रोटेक्टेड, बट यू हैव टू गिव हिम कूडोज। और आपको एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, और स्लोली एंड श्योरली ही इज कमिंग फॉर दैट ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ ऑल टाइम टैग। और आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि कैन केविन डिब्रॉयना विन द बैलन डोर या फिर इट्स टू लेट नाउ। और हाँ, यही था वीडियो में आज की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।